मेरे से ऐसे कुछ सवाल करेगी उनका फटाफट जवाब देने का। पर क्वेश्चन कितना पैसा? एक लपड़। जब तू सुन, जब तू अचानक से नींद से चौक के जागा तो सबसे पहले तूने क्या देखा? मैंने आंखें खुली तब सामने रोहित था, उसने पूछा सपना देखा, मैंने कहा हाँ। और उसके बाद क्या रोहित ने तेरे को बोला कि तूने वही सपना देखा जो वो रोज देखता है कि उसकी बीवी उसे मारना चाह रही है? हाँ। पर फिर क्या रोहित ने तेरे को बोला कि उसकी बीवी ने लाल साड़ी पहनी थी, उसके हाथ में चाकू था और चाकू लेकर वो उसे मार रही थी? पर क्या सपना तो मैंने देखा ना। अरे मेरे टकले का हुए, सपना तूने नहीं देखा रे। उसने तेरे को वो किया मालूम? क्या? झाड़फूंक। हिप्नोटाइज। उसने तेरे को हिप्नोटाइज किया, उसको बोलते हैं सम्मोहन। उसने तेरे दिमाग पे कर लिया वश। और जब हम ऐसा कर लेते किसी पे तो सामने वाला वही सब करता है जो अपन बोलते हैं उसको करने को। इसके लिए तेरे को लगा कि वो सपना तूने देखा है, लेकिन तेरे दिमाग में ये बात उसने डाला था कि तूने ये सपना देखा है। ये ऐसा हो सकता है? देखो बहुत आम कला है, थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा पढ़ाई लगता है, लेकिन कोई भी सीख सकता है ना। तुम्हारे दिमाग में कब्जा कर लिया था उसने। तुम्हें हमारा मदद करना होगा ताकि हम सब मिलके रोहित का जो ये भवंडर है इसको फोड़ सके और सच सामने आ सके। ठीक है, रोहित पिताजी की चेहरे पे कालिक जो लगी है वो पोछनी पड़ेगी रोहित का प्रतिशोध लेकर। रोहित मैं आ रहा हूँ। पर मुझे करना क्या होगा? हाँ, तुम्हें उसका पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा, ए टू जेड सारा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और अगर छूटा ना बिल्ले तो कसम से बहुत मारेंगे तुमको। ओके, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिलू द स्पाई फॉर एन आउट। बस अब बिल्ले को जो काम दिया है वो सही से कर दे। मयूरी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है, डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है। माँ अगर तुम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। पूरी दुनिया को लग रहा है कि मेरी बीवी पागल है, मेरी जान लेना चाहती है। अब बहुत जल्द डिवोर्स, वो भी विदाउट एलिमनी। उसके बाद मैं हमेशा के लिए आजाद। कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस बेबी? एकदम कड़क तुम्हारे जैसा। अब बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होगी और फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इसकी मैया का सासू मई, ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से ना इंसानियत से भरोसा उठ जाता है सबका। छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, इनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। कसम से संतु जी, एक बार हमको मौका तो दीजिए, कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, कतई नहीं। सॉरी सिखाएंगे संतु, और ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि ये खुद एक सबक बन जाएंगे इन जैसे कमीनों के लिए। अभी अभी इनको चार जूते मारेंगे ना, इनका जुलूस निकाल देंगे अभी के अभी। नहीं करिश्मा सिंह, इतना काफी नहीं होगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि इज्जत और बेइज्जती दोनों का हिसाब बराबर होना चाहिए, दोनों को सूद समेत लौटाना चाहिए। और अब हम यही करेंगे। हम रोहित के साथ वही सब करेंगे जो उसने मयूरी के साथ किया है, तब जाकर हिसाब होगा बराबर। हसीना मैडम। नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत कहिए, मैं ही उनकी जिंदगी से चली जाती हूँ। नहीं मयूरी, हम सहते रहते हैं इसीलिए लोग जुल्म करते रहते हैं। मयूरी तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा ताकि दोबारा किसी मयूरी के साथ ऐसा कुछ ना हो। उर्मिला तो मैडम सर के रोल में एकदम घुस गई। हाँ पर करना क्या है वो तो बताइए, चल क्या रहा है आपके दिमाग में? आपको जानती हो ना, इसकी बीवी मयूरी कितनी बड़ी पागल औरत है। अरे वो मेरी जान ले लेगी मैडम, आप कैसे भी करके पहले उसको ढूंढिए और हॉस्पिटल उसको पहुँचाइए। ढूंढेंगे बचा लीजिए मैडम प्लीज। ठीक है प्लीज पहले शांत हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। संतोष शर्मा पानी नहीं, आज मेरे क्वार्टर में पानी आया था। अरे इन्हें पीने के लिए पानी।
लेकर आती हूँ पुष्पा जी। पानी पानी पीजिए। ओके रिलैक्स। ठीक है अब आप यहाँ पर रहिए शांति से, तब तक हम आपकी बीवी को ढूंढते हैं। हमें लगता है सबसे सेफ जगह आपके लिए अभी फिलहाल यही है। ओके सो रिलैक्स पुष्पा जी, इन्हें कमरे में ले जाइए। आप आई यहाँ इस तरफ आई 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 बैठी आई। देखिए ये पुलिस थाना है, आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं। ठीक है आराम से बैठिए। मैडम थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मायूरी मुझे मत मारना मायूरी। छोड़ना मत मारो उसे, मत मारो उसे। कौन मैडम? कौन? खून हो गया मैडम, खून, खून हो गया मैडम। एक मिनट शांत, किसका खून हो गया? मयूरी ने कुनिका को मार दिया, जान से मार दिया, मैंने खुद देखा मैडम। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है मैडम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मयूरी ने कुनिका को जान से मार दिया। आंखें खुली तो देखा कुनिका गायब है। अरे एक मिनट, आंखें खुली इसका मतलब तुम सो रहे थे? हाँ, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मुझे तेज नींद आ गई थी, लेकिन मैंने साफ साफ देखा, पूरे होश में देखा कि वो मयूरी थी। नहीं तो तुमने नींद में ही सब देखा ना, ये तुम्हारा सपना था ना। मैडम मैं नींद में जरूर था, लेकिन अपने पूरे होश में था और मैंने साफ साफ देखा कि वो मयूरी थी। अरे मगर अगर हमला किया है तो फिर कहाँ है कुनिका? अरे तो मुझे क्या पता कहाँ है, ये आपका काम है, आप ढूंढिए, आप पुलिस है। शांत हो जाइए, हमें लगता है आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, दैट्स इट। अरे कोई सपना नहीं देखा है, आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे अगर उस पे हमला किया है तो फिर उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश कुछ तो होना चाहिए ना, कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। नहीं, हो सकता है ना किसी काम से गई हो बाहर। अरे वो किस काम से जाएगी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, वो सपना नहीं था, वो मयूरी थी और उसने जान से मार दिया बेचारी कुनिका को। देखो ऐसा है सपनों के सौदागर, ये थाना है जंगल नहीं कि कोई भी चाकू लेकर आएगा और किसी को भी मार देगा, क्या चूरन समझो क्या हमारे थाने को तुम? बताइए। अरे मैं कह तो रहा हूँ आपसे, वो पागल है, बीमार है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन डॉक्टर से कह रहे वो बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट वो उसे डिस्चार्ज करने वाले हैं। अरे डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं जानता हूँ आप लोग मेरी बात पे विश्वास कीजिए, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी का भी खून कर सकती है वो। एक मिनट, तुम्हारी बीवी पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, झूठ तुम बोल रहे हो, तुम्हारी वो डॉक्टर बोल रही है, समझे? अरे डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, वो पागल है क्योंकि मैंने ही उसे पागल बनाया है। का बोले बताओ, वरना कंटाप मार मार के तुम्हारा घुटना सर पे चढ़ा देंगे, बता रहे हैं। बताता हूँ। लेके आई उसे। बोलो। कुनिका कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, मैं कुनिका से प्यार करता था इसलिए शादी भी उसी से करना चाहता था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से मजबूरन मुझे मयूरी से शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं कुनिका को भुला नहीं पाया। डायरेक्टली मयूरी को डिवोर्स दे नहीं सकता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया।
अच्छा, इसका मतलब ये तुम दोनों का प्लान था ताकि कुनिका से शादी कर सको। जी। जिसने भी कहा है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, बहुत ही गलत कहा है, क्योंकि मोहब्बत के नाम पर तुम जैसे कमीने ये जो काम करते हैं फिर वो भी जायज होना चाहिए। एक तरफा मोहब्बत के नाम पर ये जितने आशिक घूमते फिरते हैं ना, जो मासूम लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं, वो भी जायज होना चाहिए। लेकिन किसी के भी जज्बात से खेलना किसी भी एंगल से जायज ना कभी है और ना ही कभी हो सकता है। क्या बात है, पैसा बढ़ाने को बोलती है तेरी बहू को? आप सही कह रही हैं मैडम। मयूरी, मुझे माफ कर दो, मैं आज तक सोचता रहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन हकीकत यह है कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूं। देखो मयूरी, तुम्हारे गुनहगार तो पकड़े गए हैं, पर तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम महिला पुलिस थाना तुम्हारे साथ हमेशा है, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी भी चीज का जरूरत पड़े ना, महिला पुलिस थाना को याद करना। थैंक यू मैडम, पर आप मेरी चिंता मत करिए, मेरी परवरिश इतनी कमजोर नहीं है कि मुश्किलें मुझे कमजोर कर ले। मैं फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी और वो सब करूंगी जिससे मुझे खुद पे गर्व हो। आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसके लिए ये तो बनता है। उर्मिला, अरे कसा काय चटक चांदनी काय बोलते? ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? और तुम्हारे 2000 रुपए आज का फीस। नहीं, ये 2000 तो मैं समझ गई, पण हे कशाला? करियर शुरू होने से पहले मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे क्या? 2 साल पहले जब मैडम सर यहाँ आई थी और उन्होंने SHO का पोस्ट संभाला था, तब हमने उन्हें कहा था कि वो 1 हफ्ते से ज्यादा यहाँ टिकेंगी नहीं, और अगर ऐसा चमत्कार होता है कि वो 1 हफ्ते से ज्यादा टिक जाती हैं तो हम उन्हें गिफ्ट देंगे और गले से लगाकर उनको मुबारकबाद देंगे। तो वो तो आज नहीं रही, और लोग तुम्हारे रूप में मैडम सर को देखते हैं तो हमें लगा कि हमें वो वादा निभाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए ये। और मुबारक हो। अरे थैंक यू, तेरे को भी। भैया, हेलो, जय हिंद भैया जी। 2 दिन और लगेंगे आपको अभी, पर आपने तो कहा था कि आप लौट जाएंगे। अच्छा, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रहा है, खोलो ना। हाँ एक मिनट, सिग्नल का प्रॉब्लम है। 2 दिन बाद जैसे ही अनुभव लौटेंगे हम करिश्मा सिंह को सब कुछ बता देंगे कि हम कौन हैं और लॉकेट का क्या राज है। बस 2 दिन और, उसके बाद ये सब हमेशा के लिए खत्म। अरे अब बस भी करो। हम बस करें और नहीं तो क्या, जब भी आप मन में हमें कोसती रहती है ना, कुड़ती रहती है, हम बस ऐसे दिन भर हिचकी देते रहते हैं। हाँ तो उस हिसाब से तो पुष्पा जी, आप करिश्मा मैडम को इतना गरी आती हैं, उनको 7 से ज्यादा हिचकी आना चाहिए था। एक मिनट, हमको मन में कुड़ने का जरूरत है ही नहीं, हमको बोलना होगा तो मुंह पे बोलेंगे ना, फेस टू फेस, डरते हैं क्या हम आपसे? सही कह रही मैडम। और एक मिनट, अगर आपको लगता है कि लोग आपको ना कोसे तो जिंदगी में कुछ अच्छा काम कीजिए ना, कि जब वो आपको मन में याद करे तो गाली गलौच ना दे। मतलब आप मन ही मन में हमें कोसती रहती है हा? हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए, अब क्या बताए आपको। अरे क्या किधर किधर चल रहा है, शांति से सोने दो ना। बिल्ले माँ, तुम लड़ रही हो, लड़ो। पानी पीजिए। जानवर जाग गया। मैडम, मेरा बच्चा, मेरा कुनाल नहीं मिल रहा है। अब घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। खो गया मतलब कैसे खो गया, क्या हुआ, आप समझाएंगे हमको? पता नहीं कहाँ चला गया, ये है इसकी फोटो।
जी ठीक है। घबराहट को भी बहुत मैं हो रही होगी। अरे मुझे मेरा बच्चा चाहिए। घबराहट में मैं बोल जाती हूँ गलत सलत। मेरा 4 साल का बच्चा है मैडम, पता नहीं किस हाल में होगा। मेरा बच्चा ढूंढ दो, मेरा बच्चा ढूंढ दो। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, टेंशन मत। बैठो बैठो। हाँ तो बताइए क्या हुआ? मेरा नाम मंजू है मैडम। पास में जो नर्स है ना, वहाँ पे मैं हॉस्पिटल हूँ। मैडम आप घबराहट में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बोल देती है। नहीं नहीं, मगर हम समझ गए, आप कहना चाहती है कि पास में जो हॉस्पिटल है आप वहाँ नर्स का काम करती है ना? हाँ, नर्स हूँ। हाँ हाँ, तो आगे बताइए बताइए। मैडम स्कूल से छुट्टी के बाद कुनाल को ना मैं हॉस्पिटल ले आती हूँ, ताकि ड्यूटी के ऑफ होने तक ना मैं उसका ख्याल रख सकूँ। 1 घंटे पहले उसको मैं होमवर्क से लेकर आई थी और फिर उसको स्कूल दिया था, उसके बाद मैं अपने काम पे वापस लौट गई। मतलब हम समझ गए, आप उसे स्कूल से लेकर आई, उसे होमवर्क दिया और काम में लग गई। काम से फ्री होके जब मैं वापस आई ना, कुनाल नहीं था वहाँ पर। मैंने हर जगह पूछा, हर जगह देखा, पूरे हॉस्पिटल में देखा, पर कुनाल कहीं नहीं मिला। मैडम मेरा बच्चा हाँ। ढूंढ के ला देंगे, जाएगा। हाँ हाँ, उसे कुछ नहीं होगा, पहले पानी पी। हाँ, हमें पानी वानी नहीं चाहिए, मेरा बच्चा ढूंढ के ला दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, पहले ये बताइए कि स्कूल के बाद आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल क्यों लेकर जाती हैं? घर पर और कोई नहीं है? हाँ है ना, मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है। अच्छा, तो फिर आपकी सास बच्चा का ही नहीं संभालती, आपके हस्बैंड का ही नहीं संभालती? बस यही ना मैडम, हस्बैंड जॉब करते हैं और सास का कहना है कि बच्चा माँ की जिम्मेदारी होती है। मेरा भगवान, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा भगवान, अरे कैसी माँ है तू, बहुत ही ना मेरे पोते को, बच्चे को नहीं संभाल पाई, भगवान मेरा बच्चा। वॉल्यूम कम था ना? ये सब क्या है मंजू? हाँ इतने लापरवाही, ऐसे ही संभालती हो तुम हमारे बेटे को? समझाया था मैंने तुझे कि घर और नौकरी दोनों संभाल पाना तेरे पास की बात नहीं है। अरे छोड़ दी इस जॉब का चक्कर, घर की हस्ती संभालती पर नहीं। पर माँ जी मैं सही कह रही हूँ माँ, जब जॉब और घर दोनों संभालना नहीं जा सकता तो फिर छोड़ दो ना जॉब। हाँ जिद करके बैठी थी, जॉब करना है जॉब करना है, ले लो जॉब के चक्कर में गया ना हमारा बेटा, गया मेरा पोता। एक मिनट आराम से बात कीजिए, आप थाना में खड़े हैं, कौन है आप, क्या नाम है आपका? जी योगेश। अच्छा, काम धंधा क्या करते हैं? शेयर मार्केट में ट्रेड करता हूँ। अच्छा, ये वही शेयर मार्केट है जिसमें घर पे बैठ के खाली टिक 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 करने का होता है? तो काई को बच्चे को नहीं संभालते, फिर जब तुम बिजी हो तभी आंटी संभालेंगी बच्चे को, सारी जिम्मेदारी इसकी काई को, तुम उसके बाप नहीं हो? देखिए मैडम बात कर रहे हैं ना, और तुम अपनी पत्नी पे जो इल्जाम लगा रहे हो ना, तुम भी कम नहीं हो। अगर तुम्हारा बच्चा खोया है तो उसमें इनका गलती है तो तुम्हारा भी गलती है, समझे? ठीक है, फिलहाल ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ हो सकता है आपका बेटा। हाँ एक्सक्यूज मी, मुझे पता है इनका बेटा कहाँ है। Excuse me, मुझे पता है इनका बेटा कहाँ है। बिल्ले 1000 बार बोला है काम के टाइम पे हमको मजाक पसंद नहीं है, और नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी भाषा में समझाएं। This is time for case, not for मजाक। मुझे पता है इनका बेटा कहाँ मिलेगा। बिल्ला अगर ये मजाक हुआ ना तो मैया कसम इतना कूटेंगे कि जब जब शीशा देखोगे खुद को देख के सिर्फ हंसोगे। I am Billu the spy, मेरे सामने all on me, follow me। ए टकलिया, माँ वापस आने तक मुझे मेरा वीक चाहिए। बिल्ले माँ तुम पानी पियो, फॉलो मी। चल चल चलो, दिलाती हूँ रास्ते में। जय जय माँ, जय 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 जय। अलका कुछ पता चला क्या? मैम कहाँ? यहाँ यहीं पे कुनाल बैठा था, यहीं पे वो ड्राइंग कर रहा था और मैं बस दवा लेने गई थी और वापस आई तो देखा मेरा बच्चा यहाँ नहीं था। One sec. कुनाल यहाँ बैठा था, पेंटिंग कर रहा था, इसी कलर से कर रहा था। हाँ। पूरा अस्पताल छान मारा आपने? हाँ, अस्पताल के सारे स्टाफ ने कुनाल को छान मारा, कोना कोना नहीं मिला। नहीं नहीं, कोना कोना छान मारा, कुनाल कहीं नहीं मिला। हाँ, सॉरी। प्लीज मैम डोंट क्राई, आई हेट टीयर्स। हाँ क्या टकलिया? क्या कहा था तुमने? बड़ा बड़ा हाँक रहे थे कि बच्चा मिल जाएगा, कहाँ है बच्चा? इनका बेटा इसी अस्पताल में है, इन्होंने जहाँ देखा वहाँ तो नहीं है, लेकिन वहाँ नहीं देखा जहाँ इनका बेटा है। कहाँ? इस फ्लोर पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं? हाँ स्टोर रूम। देयर इज अ स्टोर रूम। चलो चलो चलो,
मंजू, मंजू का बेटा, मंजू का बेटा। मंजू कुणाल, कहाँ तू मेरे बच्चे? कुछ मिला कुणाल, कुणाल उठ 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 उठ। नहीं बोलो ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटा मिल गया। अरे थैंक यू भाई साहब। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। पिछले महीने का चाय बिरयानी का उधारी चुका की। क्या भाई साहब, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। मजाक? थैंक यू मैडम। चलो अभी मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाकर आराम करता हूँ। चलो माँ। और सुन, ड्यूटी खत्म होते ना सीधे घर आना, इधर उधर जाके टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि आज मेरा मटर पनीर और मटर पुलाव खाने का मन कर रहा है। जल्दी घर आएगी तभी तो बना पाएगी। चलती हूँ।